नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी लोग कैसे हैं। ये हमारा जो चैनल है हिंदी सक्सेस पॉइंट बाय रंजना मैम, मैं आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट हमने वीडियो समास के, संधि के, वर्णमाला के, भाषा लिपि के, कुछ साहित्य के वीडियोस भी हमने देखे हुए हैं, कुछ हमारे साइंस के भी वीडियोस हैं। आज हम जो बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, छंद। छंद हमारी हिंदी में एक ऐसा टॉपिक है, यदि इसमें आपको एक बार मात्राएं लगानी आ गई तो छंद से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे आपके 101% आपके सही आंसर निकलेंगे वो उसमें। तो छंद में सबसे इम्पोर्टेंट है हमें मात्राएं लगाना सीखना और कुछ उसके बारे में समझना। तो छंद को हम सबसे पहले लेकर चलते हैं, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो छंद का शाब्दिक अर्थ है आह्लादित करना, खुश करना या बंधन। जब हम छंद को पढ़ते हैं जैसे चौपाई, दोहा, सोठा, रोला वगैरह, तो अंदर से हमें एक खुशी प्रतीत होती है, अर्थात इन सबको पढ़ने से हमारा मन खुश हो जाता है। क्योंकि ये जो छंद है ये मात्रा, वर्ण, गति, यति, तुक आदि से बंधी हुई रचना है। इन सभी से बंधी हुई रचना को ही हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। इसलिए छंद का हमारा दूसरा शाब्दिक अर्थ क्या है, बंधन है। इसके बारे में जो सर्वप्रथम बताया था पिंगल मुनि ने अपने ग्रंथ छंद सूत्र में बताया था। इसलिए छंद के प्रवर्तक हमारे कौन हैं, पिंगल मुनि। चूँकि इसके प्रवर्तक पिंगल मुनि हैं इसलिए छंद को हम पिंगल भी कहते हैं। तो छंद का दूसरा नाम क्या है, पिंगल है, और इसके प्रवर्तक पिंगल मुनि हैं जिन्होंने छंद सूत्र में सबसे पहले छंद का उल्लेख किया है। यदि हम वेद की बात करें तो छंद का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। छंद को एक वेदांग माना गया है। जब हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं तो वेद के हमारे 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। तो छंद को क्या माना गया है, वेद का एक अंग, एक वेदांग माना गया है। जो हमारे 6 वेदांग हैं उनमें से एक हमारा क्या है, छंद है। इसलिए छंद को एक वेदांग माना गया है। इसका सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। पिंगल मुनि ने सबसे पहले इसके बारे में बताया है और इसका शाब्दिक अर्थ है आह्लादित करना, खुश करना या बंधन। परिभाषा देखें हम छंद की, तो मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक, गण आदि से बंधी हुई रचना को ही हम छंद कहते हैं। गद्य का अनुशासन जिस प्रकार से व्याकरण से होता है उसी प्रकार से पद्य का अनुशासन हमारा छंद के नियमों से होता है। गद्य का अनुशासन मतलब गद्य में हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि लिंग, वचन, कारक, काल वगैरह, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे हमारे व्याकरण के नियम में आते हैं। तो गद्य के जो गद्य का जो अनुशासन है वो किससे होता है, हमारा व्याकरण के नियमों से होता है। जबकि पद्य का अनुशासन हमारा किससे होता है, छंद के नियमों से। जब भी हम किसी पद्य को पढ़ते हैं तो उसमें हमारी एक लय, तुक वगैरह ये सब होती हैं, उसमें हम गति का ध्यान रखते हैं, मात्राएं हमारी गिनी जाती हैं, वर्ण गिने जाते हैं, अर्थात पद्य का अनुशासन हमारा छंद से होता है। नेक्स्ट, जब हम छंद के अंगों की बात करें कि छंद के हमारे कौन कौन से अंग हैं, तो वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गण ये सभी हमारे छंद के अंग में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ण। जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने किसे माना हुआ था, वर्ण को माना हुआ था। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ही हमारी वर्ण है। यहाँ पर हम वर्ण और अक्षर को एक ही मानकर चलते हैं। तो छंद में हमने वर्ण को ही क्या माना हुआ है, अक्षर माना हुआ है। जैसे कि हमने क लिया,
ये हमारा एक व्यंजन वर्ण है और आ हमारा एक स्वर वर्ण है। दोनों ने मिलकर क बनाया, ये हमारा क्या है? अक्षर। और इसी अक्षर को हम छंद में जब हम पढ़ते हैं तो अक्षर और वर्ण को एक ही मान के चलते हैं। वर्णमाला में हमने देखा था कि हमारे जो वर्ण हैं दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्ण में हमारे आ, ई, उ और रि आते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है वो हमारे कौन से वर्ण कहलाते हैं? ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं। और जिन वर्ण के उच्चारण में हमें दो मात्राओं का समय या अधिक समय लगता है वो हमारे कौन से वर्ण कहलाते हैं? दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। तो ये थे हमारे वर्ण के बारे में नॉलेज, जिसमें हमने ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण दो प्रकार के वर्णों को देखा है। अगला, जब हम छंद की गति की बात करें, सेकंड अंग है हमारा गति, या जिसे हम लय भी कहते हैं। तो जब भी हम किसी छंद को पढ़ते हैं तो उसका एक अपना प्रवाह और लय होती है। सभी छंदों को पढ़ने की एक अलग ही लय होती है और इस आधार पर, लय के आधार पर भी हम छंदों को पहचान सकते हैं। जैसे कि आप रामचरितमानस पढ़ते हो, सुंदरकांड पढ़ते हो आप, उसमें तो उसमें एक चौपाई को आप अलग लय से पढ़ते हो, दोहे को एक आप अलग लय से पढ़ते हो, अर्थात छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को ही हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। कहीं उतार आता है, कहीं चढ़ाव आता है, तो इस तरह से प्रत्येक छंद को पढ़ने की एक गति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, छंद का प्राण या आत्मा हम किसे कहते हैं? गति को कहते हैं। यदि सारे उसका सार लेकर निकाला जाए तो सारे जो छंद के अंग हैं उसमें छंद का प्राण या आत्मा किसको माना गया है? गति को माना गया है। प्रत्येक छंद की अपनी एक लय होती है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छंद का प्राण या आत्मा किसे माना गया है? ये गति को माना गया है। नेक्स्ट हमारा है, तीसरा अंग है मात्रा। तो किसी वर्ण के उच्चारण में कितना समय लग रहा है उसे हम कहते हैं मात्रा। यदि किसी वर्ण के उच्चारण में कम समय लग रहा है तो उसे ह्रस्व वर्ण का समय अर्थात एक मात्रा, जिसे कि हम इस तरीके से पाई के द्वारा दर्शाते हैं, और यदि किसी वर्ण में अधिक समय लग रहा है तो दो मात्रा, इस तरीके से हम इसे दर्शाते हैं। तो एक मात्रा को पाई के द्वारा और दो मात्रा को हम वर्तुलाकार चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। यही पार्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें ये पता होना चाहिए कि किस वर्ण की हमारे कितनी मात्रा लगनी है और कैसे लगनी है। तो मैं यहाँ पर आपको 7 पॉइंट बताऊँगी और 7 पॉइंट में आपको पूरी की पूरी मात्राएँ क्लियर हो जाएंगी। तो यदि पहला पॉइंट है हमारा, लघु मात्रा हम किस किस में लगाएंगे? तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये वर्ण आपको जब भी दिखेंगे तो आप इसमें किसका प्रयोग करोगे? छोटे एक मात्रा का प्रयोग करोगे। जैसे हमने कल लिखा, कल, तो इसमें आप कितनी, का में हमारा छोटा आ है, एक मात्रा लगाई, आ में, ला में हमारा एक छोटा आ है, एक मात्रा लगाई, अर्थात कल पर हमारे का पर एक और ला पर एक। यदि इसे हमने कली कर दिया तब भी हमारी मात्राएं यही रहेंगी, क्यों? क्योंकि छोटी ई की भी हमारी एक मात्रा है। यदि इसे हमने कलू कर दिया तो भी हमारी कितनी मात्राएं रहेंगी? एक एक मात्रा ही इस पर रहेंगी। तो छोटे आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनकी हमारी एक मात्रा लगाई जाती है। चंद्र बिंदु वर्ण जब भी आपको दिखे तो उसकी मात्रा आपकी कितनी होगी? एक ही आपको उसमें मात्रा लगानी है। जैसे कि हमने कोई भी शब्द हमने ले लिया, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर अंग, अंग को हम चंद्रबिंदी लगा के नहीं लिखते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक शब्द लिया हुआ है अंग। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? आ, यहाँ पर आ है, तो इस पर हमारी कितनी मात्रा आएगी? एक ही मात्रा हमारी आएगी। तो जिस पर भी आपके ये चंद्र बिंदु लगा हो उसकी मात्रा भी आपको एक ही बतानी है। तीसरा हमारा पॉइंट है,
संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा आधे वर्ण चाहे जितने आ जाएं लेकिन पूरा वर्ण हमारा एक होता है, उसे यहाँ पर छंद में संयुक्त व्यंजन माना गया है। आधे वर्ण के साथ पूरा वर्ण, जिसमें कि आधे वर्ण आपके कितने भी हों उसको, लेकिन पूरा वर्ण जितना होगा उतने ही उसे संयुक्त व्यंजन माना जाएगा। जैसे कि यहाँ उदाहरण देखिए, नित्य, तो नित्य में हमारा नी अलग है, नित्य, तो यहाँ आप देख रहे हो ये नित्य में आपके आधे वर्ण के साथ या है, अर्थात ये हमारा एक संयुक्त व्यंजन है। तो इस संयुक्त व्यंजन की मात्रा कितनी आएगी, एक, क्योंकि ये नी है, छोटी ई की मात्रा है, तो इस पर भी हमारी मात्रा कितनी आएगी, एक आएगी। इसी प्रकार से सत्य हमने लिखा है, तो ता और या, इस पर हमारी कितनी आएगी मात्रा, एक आएगी। चच, गुच्छ जो हमने लिखा हुआ है, तो चच आधा वर्ण है, पूरा वर्ण है, तो इस पर भी हमारी कितनी मात्रा आएगी, एक मात्रा आएगी। इसी प्रकार से एक हम और उदाहरण देखते हैं, स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में आप यहाँ पर देख रहे हो और यहाँ पर देख रहे हो, आधे वर्ण के साथ एक पूरा वर्ण है और यहाँ पर दो आधे वर्ण के साथ एक पूरा वर्ण है, तो इसको भी हम एक संयुक्त व्यंजन मानेंगे और इसको भी हम एक संयुक्त व्यंजन मानेंगे। अब चूंकि यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन है लेकिन इस पर बड़ा आ रहा है, इसलिए इस पर हमारी दो मात्रा आएंगी, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको समझते हैं कि स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में आपको दो आधे वर्ण हैं और एक पूरा वर्ण है। तो अभी इससे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया था कि आधे वर्ण चाहे जितने हो, जो हमारा पूरा वर्ण यदि एक है तो वो हमारा एक संयुक्त व्यंजन माना जाएगा। तो इस स्वस्थ में इस पूरे पर हमारी कितनी मात्रा आएगी, एक मात्रा आएगी। यदि हम स्वस्थ लिखें, स्वस्थ, तो इसमें आधे वर्ण के साथ एक पूरा वर्ण है, तो इस पर भी हमारी एक मात्रा आएगी, अर्थात आधे वर्ण किसी पूरे वर्ण के साथ आधे वर्ण जितने हों तो तब भी हमारी मात्रा एक ही आएगी। तो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए कि एक मात्रा हम किस किस पर लगाते हैं, आ पर, आ, ई, ऊ और री पर लगाते हैं, और चंद्रबिंदु स्वर होगा वहाँ लगाते हैं, और संयुक्त व्यंजन पर, इन पर हम एक मात्रा लगाते हैं। तो ये अभी हमने सीखी है सिर्फ लघु मात्रा लगाना। नेक्स्ट हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे कि दीर्घ मात्रा कैसे लगाई जाती है और किस किस में हमारी दीर्घ मात्रा लगाई जाती है, और उसके बाद हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।